दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको इंडिया में फ्रॉड करार कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये गैम्बलिंग है, जुआ है और इसे बैन कर देना चाहिए, और इंडिया में ऐसी एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल ही नहीं थी। पर इसके फाउंडर्स ने बहुत सारे लीगल बैटल्स लड़े और ये फाइनली प्रूव किया कि ये जुआ नहीं, नॉलेज और स्किल का गेम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रीम स्पोर्ट्स की, ड्रीम इलेवन की, जो कि इंडिया में पहली बार फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक मोनेटाइज तरीके से ले गया है। पर क्यों है ये एप्लीकेशन इतना सक्सेसफुल, क्यों है ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल, इसके 10 रीजंस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आपका खुद का एक बिजनेस है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत लर्निंग्स हैं। हर्ष जैन, ड्रीम इलेवन के सीईओ और को फाउंडर, लंडन में अपना हाई स्कूल खत्म करने के लिए सेवन ओक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, और यूरोप जाते ही सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन होता है फैंटेसी फुटबॉल स्पोर्ट्स के साथ। इस एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने सभी दोस्तों के साथ टच में रहते हैं, और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम था भाविक शेठ, जो कि आगे चल के बनते हैं ड्रीम इलेवन के को फाउंडर। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 2001 में ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने सुपर सिलेक्टर लॉन्च किया था, जो कि एक क्रिकेट फैंटेसी लीग थी। और क्योंकि ये एक राइट प्रोडक्ट था रॉन्ग टाइम पर, ये बहुत जल्दी एक्सप्लोड हुआ और इम्प्लोड भी हो गया। और फिर अपना स्कूल खत्म होने के बाद हर्ष गए US, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पर US जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि US में भी फैंटेसी स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है। 2007 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया वापस आए और अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हर्ष के फादर मिस्टर आनंद जैन, जैन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जो कि एक टेक्सटाइल बैग्स की कंपनी है। उसके अलावा उनका रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंस बिजनेस में भी एक्सपीरियंस रहा है। वो मिस्टर धीरूभाई अंबानी के थर्ड सन के नाम से जाने जाते हैं, और इनफैक्ट 2007 में ही उन्होंने फोर्ब्स के इंडियाज 40 रिचेस्ट पीपल में 11th रैंक पर फीचर किया। हर्ष इसलिए अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, और क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, उनको पिताजी के रियल एस्टेट और फाइनेंस बिजनेस में ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था। उसी टाइम 2008 में IPL शुरू हुआ और पूरा देश जैसे इस क्रिकेट सेलिब्रेशन में डूब गया। पर हर्ष की प्रॉब्लम बहुत अलग थी। जब उन्होंने इंटरनेट पे IPL शुरू होने के बाद एक फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट 70% ऑफ US एंड यूरोपियन पॉपुलेशन फैंटेसी स्पोर्ट्स खेला करते थे, और ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि 2008 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पे इंडिया में कुछ भी नहीं था, जबकि यहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा लोग थे और क्रिकेट की इतनी बड़ी फॉलोइंग थी। हर्ष जैन ने फिर अपने दोस्तों के साथ इस आइडिया को डिस्कस किया, एंड 22 साल की उम्र में उन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग इंडिया में लॉन्च करने का फैसला किया, और उनके साथ जुड़े उनके बचपन के दोस्त भाविक शेठ। उस टाइम इसके ऊपर कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया गया, इनफैक्ट उन दोनों को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिबल लग रही थी। भाविक शेठ भी एक इंजीनियर थे, और दोनों ने अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगा के इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का फैसला किया। सभी लोगों ने उनको वॉर्न किया कि एक बहुत ही ख़राब आइडिया है, और ये कुछ हद तक ठीक भी था। बताते हैं कैसे। तो उन्होंने US और यूरोपियन मॉडल्स को कॉपी करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि पूरे सीजन चलेगा, सबके खेलने के लिए फ्री रहेगा और रेवेन्यू सिर्फ एड से आएगा। और इसको और कॉम्प्लिकेट करने के लिए उन्होंने इसे स्पोर्ट्स सोशल नेटवर्किंग साइट में कन्वर्ट करने की भी कोशिश की, क्योंकि वो एक नेटवर्क बनाना चाहते थे। एंड लेट्स फेस इट, आप फैंटेसी स्पोर्ट्स एक्चुअली किसके साथ खेलते हो? अपने दोस्तों के साथ। तो ये नेटवर्क बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, और उस टाइम फेसबुक भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। उन्होंने अपनी साइट पे न्यूज़ और गेमिंग भी इंट्रोड्यूस करी, पर इतना सारा एक साथ करके दे कम्प्लीटली स्क्रूड अप। क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके कोर बिजनेस पे, जो कि इस केस में फैंटेसी स्पोर्ट्स था, उस पे फोकस करें, और बाकी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द अपने आप हो जाती हैं। और 3-4 साल बाद जब ये मॉडल नहीं चला तो 2012 में उन्होंने पिविट किया और ये डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ क्रिकेट फैंटेसी लीग पे फोकस करेंगे, और ये अब एक फ्री मॉडल से एक पर मैच सीजन लॉन्ग फ्री में मॉडल में बदल गया। इन 3 साल में उनकी सारी फंडिंग फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू रही, और अब ये भी ख़त्म होने वाली थी। इसलिए सर्वाइवल के लिए उन्होंने साइड में एक सोशल मीडिया एजेंसी की शुरुआत की, और इसका सारा रेवेन्यू ड्रीम स्पोर्ट्स पे लगा दिया। और अब 1 साल के अंदर अंदर उनको अपना PMF यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया। सोशल मीडिया एजेंसी को अब उन्होंने पूरी तरह से बेच के उसके सारे प्रोसीड्स को ड्रीम स्पोर्ट्स पे लगा दिया। और 3 साल बाद 2015 में जब उनके 3 लाख यूज़र्स हो गए, उनको मिली उनकी सीरीज ए फंडिंग।
अब फाइनली एक अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगा था। अब आप खुद सोचिए, 2008 से 2012 तक उन्होंने काफ़ी बार चेंजेस किए, काफ़ी बार पिवट किया और 2012 में जाके फाइनली उनको अपना राइट बिजनेस मॉडल मिला। और इसी दौरान राजस्थान हाई कोर्ट में ड्रीम इलेवन के अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ, जहां लोगों ने कहा कि एक गैम्बलिंग और जुए का गेम है और इसे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। पर जजेस की रूलिंग ड्रीम इलेवन के फेवर में रही। जजेस ने ये कहा कि ये एक गैम्बलिंग और जुए की कैटेगरी में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक नॉलेज और स्किल का गेम है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको पिच की कंडीशन पता हो, वेदर कंडीशंस पता हो, लाइनअप पता हो, टॉस का रिजल्ट पता हो, तो ये ज़्यादातर एक नॉलेज और स्किल का गेम बन जाता है रैदर देन गैम्बलिंग। पर अब एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई। गूगल के प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया क्योंकि उनकी पॉलिसी ये थी कि वो किसी भी गेमिंग ऐप फॉर कैश को अलाउ नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एप्पल के ऐप स्टोर में इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत सिंपल थी कि भैया अगर ये तुम्हारे देश में लीगल है तो ये हमारे लिए लीगल है। और क्योंकि 95% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन उस टाइम एंड्रॉयड यूज़ करती थी तो उनका गूगल प्ले स्टोर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि अब नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने अपने वेबसाइट पर अब एक APK यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज को लोड करवाया। यूजली जब आप एक APK को डाउनलोड करते हो तो आपकी स्क्रीन पे एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करिए, ये आपके फ़ोन को बर्बाद कर देगा, आपकी बैटरी को बर्बाद कर देगा। और यूजली लोग ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करते, पर ये उनकी प्रोडक्ट मार्केट फिट का PMF का एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल था क्योंकि इस नोटिफिकेशन के बावजूद बहुत सारे लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की। पर क्यों है ड्रीम इलेवन इतना सक्सेसफुल और कैसे है अपने कॉम्पिटिटर्स से मीलो आगे, आइए जानते हैं। पहला, हुक। जब आप किसी चीज़ पे पैसे लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक बड़ी अमाउंट जीतने की एक होप रहती है और ये होप लाइफ में एक थ्रिल ऐड करती है और मैच को, स्पोर्ट्स को, गेम को 1000 times और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती है। दूसरा, नेटवर्क। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ड्रीम इलेवन को एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला। कैसे? जब आप फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप एक एल्गोरिदम से यूज टू हो जाते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ जनरली ये स्पोर्ट खेला करते हैं तो आपका पूरा नेटवर्क एक जगह पे होता है। और अगर आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मूव करना है तो आपको एक नए एल्गोरिदम को जानना पड़ेगा, उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा और अपने पूरे नेटवर्क को एक एप्लीकेशन से उठा के दूसरे एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है व्हाट्सएप, हाइक और वीचैट। व्हाट्सएप एक फर्स्ट मूवर था, हाइक और वीचैट उसके बाद आए, पर हाइक और वीचैट के आने के बाद भी लोगों ने व्हाट्सएप को यूज़ करना ही ठीक समझा क्योंकि अगर आपको हाइक या वीचैट पे मूव करना है तो अपने पूरे नेटवर्क को उठा के व्हाट्सएप से हाइक या वीचैट पे मूव करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। तीसरा, ट्रस्ट। इंडियन कंज्यूमर्स की यूजली यही मेंटालिटी होती है कि हम ऐसे एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कैसे कर लें, कहीं ये पैसा लेके हमारा भाग तो नहीं जाएगा। और यहीं पे उनका एक स्ट्रेटेजिक मूव उनको बहुत ज़्यादा काम आया। उन्होंने बहुत स्मार्टली अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना, हर्षा भोगले, और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि लेट्स फेस इट, अगर माही बोल रहा है तो ठीक ही होगा। हर ब्रांड एम्बेसडर अपने साथ एक क्रेडिबिलिटी लाता है और यही क्रेडिबिलिटी वो ब्रांड्स को पास ऑन करता है। चौथा, मनी रिटर्निंग पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या थी? कि अगर आप ड्रीम इलेवन के थ्रू फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इनके वॉलेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट पार्क करके रखना पड़ता है, पर अगर किसी रीज़न की वजह से आप पूरा पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो ये पैसा इमिडिएटली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इससे एक ट्रस्ट पैदा होता है और वर्ड ऑफ माउथ से आपकी प्रमोशन भी होती है। पांचवा, विनिंग मनी। शुरुआत में जब भी ड्रीम इलेवन से कोई पैसे जीतता था तो वो सोशल मीडिया पे जाके सबको बता देता था कि वो कितने पैसे जीता है, जो कि ड्रीम इलेवन के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम ऑफ प्रमोशन था। छठा, फोकस। ये इनकी कंपनी का एक मंत्र है। उन्होंने अपने कोर बिजनेस पे यानी क्रिकेट फैंटेसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया और उसके इर्द गिर्द कहीं और सारे बिजनेसेस भी बनाए। पहला, ड्रीम इलेवन फॉर अदर स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, NBA एक्सेट्रा। दूसरा, ड्रीम सेट को, जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां दुनिया में किसी भी स्पोर्ट इवेंट के लिए आपका पूरा ट्रैवल प्लान किया जाता है। तीसरा, फैन कोड, जो कि स्पोर्ट्स का एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। चौथा, ड्रीम कैपिटल, जो कि एक स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप को फंड करने का प्रोग्राम है। और पांचवा, ड्रीम स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जो कि एक CSR है जहां वो अपने इनिशिएटिव से इंडिया में हर तरीके के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। सातवा, स्पॉन्सरशिप्स।
वो ICC, BCCI, PKL, PSL, NBA हर मेजर स्पोर्टिंग इवेंट में स्पॉन्सरशिप ब्रांड बन गए, जिससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ी और लोगों को ये क्रेडिबल ब्रांड लगने लगा। आठवां, रेफरल्स। जब 2016 में उन्होंने रेफरल्स को इंट्रोड्यूस किया, तब उनको अपने यूज़र बेस में एक बहुत बड़ा सर्च मिला। क्योंकि जब आप अपने दोस्त को इनवाइट करते हैं किसी ऐसे एप्लीकेशन में खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका दोस्त इसको पहले से ही ट्रस्ट करके इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करता है। और अगर आपको अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, तो आप क्यों नहीं करेंगे भाई। नाइन्थ इज डेटा। अगर आपको याद हो तो हमने इसी वीडियो में आपको बताया था कि 2008 में जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो इन्होंने बिना किसी मार्केट रिसर्च के इसको लॉन्च कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। और इसी की लर्निंग्स की वजह से उनका मोटो आज ये बन गया है कि वी गो बाय 99% ऑफ डेटा एंड 1% गट। और दसवा, एडवर्टाइजिंग। इनके एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है, और आज की डेट में इनके पास ऑलमोस्ट 20 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हे गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी कवर करें, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।